गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो गाइस, 2024 के फोर्थ मंथ में हम एंटर कर चुके हैं। आई होप आप सभी की हीलिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग जो भी मेरे साथ इस हीलिंग जर्नी में शामिल हैं, आई होप आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे एंड जो बहुत हैप्पी होंगे। सो गाइज, जैसे कि कल से हमारी मैरिज वाली हीलिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई है। सो क्या आप अभी भी अपनी मैरिज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप अपने एसपी को नहीं मना पा रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है? क्या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए? या फिर कोई न्यू पार्टनर अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सो गाइज, और टाइम वेस्ट ना करते हुए एक सही डिसीज़न लीजिए, क्योंकि जब लाइफ के किसी भी एरिया में कोई ब्लॉकेज आता है, कोई स्टकनेस आती है, तो लाइफ के अदर एरियाज़ भी अफेक्ट होते हैं। और अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिसेस या तो खुद भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आपको हीलिंग करनी है, और अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो आप हमारे साथ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। डेली 8:30 PM पर हम 1 घंटे की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ, एक ही सभी लोगों का गोल है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैरिज को लेकर ही हीलिंग करवा रही हूँ, इसमें लाइफ के अदर एरियाज़ की भी हम हीलिंग कर रहे हैं, जिसमें करियर भी है, मनी भी है, और हेल्थ को लेकर भी हम हीलिंग कर रही हैं। हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी और अपनी फ्रीडम के लिए भी हीलिंग कर रहे हैं। इसमें हम अपनी लाइफ के अदर गोल्स के लिए भी हीलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ का सिर्फ एक ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से इस मैरिज वाले इशू की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आपको ये प्रैक्टिसेस ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। सो गाइज, ज़रूर ज्वाइन करिए, आज ही रजिस्टर करिए खुद को। व्हाट्सअप करिए मुझे 8854993012 पर, और इस मैजिकल हीलिंग जर्नी में शामिल हो जाइए और अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करिए। एंड गाइस, कल के एक सेशन की मैं एक रिकॉर्डिंग यहाँ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। एंड उन लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने उन लोगों का फेस हाइड किया है, क्योंकि मेरे वो पार्टिसिपेंट्स, मेरे वो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर नहीं आना चाहते हैं। सो मैंने उनका फेस हाइड करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ गाइज, ये वीडियो देखिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, और फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन करिए। हैप्पी हीलिंग गाइज। हाँ, कल मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने इंटरव्यू भी दिया और नेक्स्ट वीक मींस अगले हफ्ते में फिर से कॉल आएगा। अच्छा कंपनी में मिला और अच्छा पैकेज भी वो लोग बोल रिवील द रहे नेम ऑफ द कंपनी। मिराकल तो ये है, किस कंपनी से कॉल आया वो है और कितने सालों स्पेंड के स्टकनेस के बाद आया है, वो है मिराकल। 13 इयर्स के बाद 13 ईयर्स से आपके करियर में जो स्ट्रगल था वो फाइनली एंड हो रहा है, और इतने लॉन्ग टाइम के बाद आपको ये कितनी बड़ी अमेरिकन कंपनी, आई थिंक, राइट, हाँ, ये US बेस्ड कंपनी यूएस है। बेस्ड हाँ कंपनी है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है, काफी न्यूज में आता रहता है इसके बारे में, राइट? कैन यू रिवील द नेम ऑफ मैंने दैट अभी कंपनी? सुना है, US बेस्ड ही है, लेकिन ये आपके IT सर्विसेज में है अभी जो मैं कर रही हूँ। गोल्डमैन सैक्स शायद फाइनेंशियल सर्विसेज लग रहा है, मुझे फाइनेंशियल में पता है नहीं। इसमें, ये तो बहुत सारे, आई थिंक बैंकिंग वगैरह में भी है, पता नहीं किस किस में है, नाम तो काफी सुना है इसका, है ना? हाँ, सो अभी देखना है, मेल भेजेंगे करके बोले हैं, भेजने के बाद डिटेल्स अपलोड करेंगे और देखो, देखेंगे। आपको है ना वहां अटैच नहीं होना है, मैंने आपको कल भी यही कहा था। अब आपको खुशियां सेलिब्रेट करनी है, नहीं, इसलिए एक्साइटेड मैं रहना बोल रही है। हूँ, यस, करेक्ट करेक्ट भेजूंगी, जब इतने देखेंगे। सालों का जो स्ट्रगल था वो खत्म हुआ है, मतलब हीलिंग हो रही है। मेन चीज ये है कि हीलिंग सिर्फ एक फील्ड में नहीं हो रही है। आपने मुझे स्टार्टिंग में तीन चीजें बताई थी, आपका तीन चीजों को लेकर स्ट्रगल था। फर्स्ट आपने बताया था आपका वेट लूज करना है, सेकंड आपने बोला था मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, थर्ड आपने बोला था कि बहुत सालों से आपकी करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? ना प्रमोशन हो रहा है, ना हाइक हो रही है, ना अच्छा जॉब मिल रहा है, कुछ भी प्रमोशन नहीं हो रहा। प्रमोशन हो गया लेकिन हाइक नहीं हो रहे। हाइक प्रमोशन नहीं, तो ये हुआ कितने लास्ट सालों के बाद हुई है ये वाली हाइक? ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ लास्ट ईयर
5 10 years, 10 years के बाद, यस सो आफ्टर टेन 10 years के इयर्स इस हो ओपनोपोनो हीलिंग में आने के बाद आपको सीधे जस्ट बाद। डबल डबल से भी ज्यादा वाला पैकेज ऑफर हुआ राइट? वो भी इतनी बड़ी कंपनी से हाँ यार, फील सो एक्साइटेड। हाँ एक ग्रेटिट्यूड नोट लिखो यूनिवर्स को, ठीक है? बहुत जी अच्छा सा, हाँ बहुत बड़ा सा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये अपॉर्चुनिटी डोंट वरी, आपके लिए जो बेस्ट होगा ना वो ऑटोमेटिक आएगा, है ना? मतलब किसी और छोटी कंपनी से भी तो आ सकता था, कोई 1-2 लाख का भी इंक्रीमेंट का जॉब ऑफर हो सकता था आपको, बट यहाँ जस्ट डबल से ज्यादा का पैकेज ऑफर हो रहा है। सोचो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया यूनिवर्स ने आपको, जस्ट विद इन अ वन वही मंथ मैं, ओनली, राइट? हाँ, डेफिनेटली, मतलब बिकॉज इतना तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि यस हाँ सो करियर के लिए हीलिंग, मैरिज के लिए हीलिंग, हेल्थ के लिए, मतलब सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज हो रही है, सारे एरियाज में ग्रोथ हाँ हो रही है राइट? और वो दिख भी रही है अब, है ना? सो जस्ट बी हाँ पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, है ना? यूनिवर्स को बहुत प्यारा सा ग्रेटिट्यूड लेटर, आपने कल नहीं लिखा है तो अभी लिखना, कल लिखना नहीं तो, है ना? बहुत अच्छा सा हाँ ग्रेटिट्यूड लेटर लिखो और सबसे पहले सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है कि जब लास्ट में कि मुझे जॉब मिल जाएगा उसके बाद ही मैं सेलिब्रेट करूंगी, नहीं, छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करो। और ये छोटी चीज तो बिल्कुल नहीं है, जो मिलता है या नहीं भी वो बहुत बात की बात है। फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ है आपका, आपको इतना अच्छा जॉब इतनी अच्छी कंपनी से ऑफर हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आपको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। ओके, अपनी मदर को लेके जाओ, उनके साथ कहीं बाहर घूम के आओ, कुछ भी करो यार, बस एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, एक बहुत बड़ा वाला सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। ओके, और हाँ अगर आप मैं चाहो तो चंद्रवती और एक्चुअली मुझे भी पार्टी दे सकते हो, हम लोग भी पार्टी करेंगे। हाँ सही मैं है ना? और अभी चंद्रवती से पार्टी लेंगे, ये अपनी पार्टी में बुला ही रही है हमें नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तो आ गया यार, आज तो 30th, 5th को बुला रही हूँ चंद्रवती को। फाइव ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, दो दो पार्टीज होने वाली है अभी, और आने वाली है। मैं 5 तारीख को एंगेजमेंट है। वाह अच्छा, अपनी भी स्टोरी सुना दो चंद्रवती, या फिर बाद में शेयर ये करोगे आप? बता दीजिए, तब नहीं बस तो है, और भी है हाँ कोई शादी के लिए? वैसे मैंने तो सेल्फ लव का अगले महीने मंथ किया था मैंने, मगर ये है कि वैसे आपकी क्लास मैंने लेट ज्वाइन की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, फिर आपने मुझे ये बोला था कि मैंने उस दिन हाँ डांट लगाई थी कि अगर नहीं आपने होगी बोला तो मैं कि आउट कर मैं दूंगी अपने पैसे सेशन आपको रिटर्न से। कर दूंगी, वो कर्मा वो होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने ये मुझसे बोला था, तो फिर मुझको भी थोड़ा सा मैंने गलत फील हो रहा था कि गलती मेरी है, मैं टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं घर में जाते हैं ना तो कभी ये काम करना, कभी बच्चे आ जाना, तो कभी मम्मी बोली कि क्या क्लास ज्वाइन कर रही है, शादी के लिए बहुत जल्दी पड़ी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं सोची कि पूरा हो जाए तब मैं उनको बताऊंगी, ये मेरा था उनका ये था। हुआ ना, और हुआ आपने इतने ना, अच्छे से हमारा बताया मैजिक भी काम और गाइड किया ना। भी किया और बहुत चीज, और मैंने रोई भी थी तो आपने मुझे इतने अच्छे से कर लिया। मैंने और भी ऐसे नहीं कि मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया, क्लास मैंने ज्वाइन किया, अभी जैसे मैंने अभी क्लास आपकी ज्वाइन, अगर मैंने उनकी क्लास भी मिस कर दी ना तो कभी ऐसा कॉल नहीं आया कि आप क्लास मिस क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, उनका जो टाइम फिक्स है तो टाइम फिक्स ही रहता है, और आप है कि मैंने मेंटेन कर लेती, पता है कि इसका 3 से चलता है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन भी कर लेती या नहीं है, तो मैंने टाइम देती हूँ ऐसा, तो काफी चीजें अच्छी चीज है बहुत, तो यस उसके लिए बहुत थैंक यू।